यमहा ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए मई 2022 SXR 900 मोटरसाइकिल को प्रदर्शित किया। नई स्पोर्ट्स बाइक को स्टीरियल लुक के साथ ही अंदर तक कई अपडेट के साथ पेश किया गया। बाइक को एक नए एल्युमिनियम फ्रेम के साथ अपडेट किया गया है, जिससे बाइक पहले की तुलना में हल्की हो गई है। कंपनी का दावा है कि बाइक की हैंडलिंग पहले से बेहतर हुई है। नया एल्युमिनियम फ्रेम ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा कंपनी ने नई बाइक के व्हील बेस में भी बदलाव किया है, जो कि पहले से लंबी है, जबकि बाइक पर स्पोर्टियर और ज्यादा रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग के लिए हेडस्टॉक को अपग्रेड किया गया है। एक्सटीरियर की बात करें तो बाइक का डिजाइन और लुक 1970 के दशक से प्रेरित है। गोल्डन फ्रंट फोक और व्हील्स के साथ इसमें चौड़ा हैंडल बार दिया गया है। नई बाइक में नया फ्यूल टैंक दिया गया है और टेल सेक्शन भी ऐसा ही है। लेटेस्ट अपडेट के साथ बाइक को एक फुल एलईडी लाइटिंग पैकेज भी मिलता है। नई अपडेट की गई बाइक में एक बड़ा 889 सीसी का इंजन मिलता है। ये इंजन पिछली 846 सीसी इंजन को रिप्लेस करता है। ये इंजन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के अलावा 4 BHP ज्यादा पावर जनरेट करता है और अब ये 117.3 BHP की पावर प्रदान करता है। अपडेटेड पावर ट्रेन के अलावा ब्रेकिंग सेटअप को ब्रेम्बो रेडियल मास्टर सिलेंडर और एडजस्टेबल लीवर के साथ अपडेट किया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो बाइक में पहले की तरह फुल एडजस्टेबल KYB गोल्ड इन्फोनाइज्ड फोर्क्स और एडजस्टेबल KYB मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है। 2022 के लिए बाइक में नई 3.5 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है, जो पिछले मॉडल में मिलने वाली राउंड LCD यूनिट को रिप्लेस करती है। बाइक के सेफ्टी फीचर में 4 राइड मोड, लीन एंगल सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ स्लाइड और व्हील कंट्रोल शामिल है। बाइक 2 कलर ऑप्शन लीजन ब्लू और मिडनाइट ब्लैक में पेश की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।